बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। आज हम इस कोर्स के रेलिवेंट आखिरी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? डेफिनेटली जैसे लास्ट टाइम हमने इसमें वर्किंग की थी, वो ये थे कि आज हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे जो हमने कंसेप्ट मिड के बाद देखे थे। मैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जिन पे आपको मैक्सिमम वर्क करने की ज़रूरत है, मैं वो सबसे डिस्कस करूँगा। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में ना फंस जाइएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, विदाउट एक्सरसाइज सोल्यूशन, विदाउट असाइनमेंट सोल्यूशन, आप मेरा नहीं ख्याल करते कि बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर सकें जितना भी हो सकता है सब चीज़ों को। अच्छा, तो शुरू करते हैं जी। जनरल वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हमने देखा था। हमने कहा था कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हम देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल पाथ क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे फंक्शन इन्वोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे की गई है, ये जनरल सी चीज़ आपको इसमें डिटेल में पता है। तो इसमें से लेते हुए हमें सबसे पहले जो हमने इसे देखें, सबसे पहले आपको ग्राफ थ्योरी की बात की थी। आप अगर आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब कि नोड्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इसके अलावा साथ साथ जो कवरेज क्या होती है, सब चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको सब चीज़ों का आइडिया होगा। क्योंकि अगेन मैं रिवाइज़ करने लगा हूँ ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं सब वो डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा का पूरा कोर्स मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये सब के सब चीज़ें मैं समझता हूँ ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें से प्रोसेस ब्लॉक होगा। प्रोसेस ब्लॉक हमने कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस ब्लॉक है जहाँ पे कंट्रोल जो है वो कंटिन्यूसली मूव किए जा रहा है और किसी किस्म की इसमें एक्सक्यूज में डिसीजन पावर नहीं आ रही, कोई आइट्रेशन नहीं आ रही, मतलब जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा, वो सीक्वेंशियल पॉइंट पे से चला जा रहा है, हम उसको प्रोसेस ब्लॉक कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये डिसीजन पॉइंट, डिसीजन पॉइंट क्या है, जहाँ पे स्प्लिटिंग होना शुरू होगी। तो डिसीजन हमारे पास इफ कंडीशन के फॉर्म में भी आ सकता है, आ जाता है, केस की फॉर्म में भी आ जाएगा। और डेफिनेटली जब भी डिसीजन आएगा तो हम वापस जंक्शन पे भी मूव करेंगे किसी एक जगह के ऊपर। इसके साथ सीक्वेंस है कि एक प्रोसेस ब्लॉक दूसरे प्रोसेस ब्लॉक के साथ कैसे वर्किंग करेगा। इसके साथ इफ़ कंडीशन है, अगर तो ये यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, अगर तो ये ट्रू होगा तो हम इसको इधर को मूव कर देंगे, अगर जो फॉल्स होगा तो फिर हम इधर की तरफ मूव कर देंगे, एंड दैट इज़ अ जंक्शन। ये सब चीज़ें हमारे पहले क्लियर है, ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। इसके साथ वाइल एंड डू वाइल लूप है, तो दैट इज़ अंटिल लूप, तो मैं जिसको फॉर लूप भी हम कहेंगे। सिंपल है कि ये काम करते रहो, देखिए ये काम करते रहो और जैसे ये काम कंप्लीट हो तो आप इससे बाहर आ जाना। यहाँ पे क्या, ये काम करते रहो जैसे ये, तो यहाँ से आपने मूव कर जाते। ये सब चीज़ें आपको मेरा क्लियर है तो मैं इसलिए बहुत फोकस नहीं करता, हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या एक्स और वाई इसके ऊपर हमारा डिसीजन है, तो सबसे पहले इस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनते हैं। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिएगा। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने अगर डिसाइड किया है कि जो राइट साइड है वो आपने कंसिडर करनी ट्रू के लिए, तो फिर आपने इसी कन्वेंशन के साथ चलना है कि राइट जितनी भी हैं वो सारी की सारी ट्रू के लिए आएगी एंड लेफ्ट विल बी कंसर्न फॉर फॉल्स। अब इस परस्पेक्टिव से वो कह रहा है, अब देखें ये प्रोसेस ब्लॉक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीक्वेंशन में चलेगा, यहाँ पर किसी किस्म की ब्रेकेज नहीं आएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू। अच्छा, अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने कहा जी वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ज़ीरो एंड एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। अच्छा, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फॉल्स। फॉल्स में तो इसका मतलब है जंक्शन तो हमारे पास कहीं भी नहीं आ रहा, तो अब इसकी जो आखिरी स्टेटमेंट है वो है जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाली, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन लास्ट वन। तो इसका मतलब है अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसकी तरफ मूव कर देंगे और डेफिनेटली हम फिर आएंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की तरफ। और क्या होगा अगर कंडीशन डायरेक्ट फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स के मामले में डायरेक्टली ये यहाँ तक इसको छू जाएगी, तो ये अब आप देख सकते हैं क्या होगा। दूसरा देख लेते हैं,
अब इस मामले में पहले हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो वो ट्रू आने जा रही है तो y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू x प्लस वन है, एंड इन दी फॉर द केस ऑफ फॉल्स तो फॉल्स के जनाब ये आएगा कि x इज इक्वल टू y प्लस वन वही वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो आपको प्रोसेस लॉग है ये आपको नज़र आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ हियर। और मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि अगर फ़र्ज़ करें ये स्टेटमेंट ना होती तो फिर हमें इनको किसी एंड की पॉइंट की तरफ लेके चलना था, तो फिर हम यहाँ पे एक एंड पॉइंट खुद कंसिडर कर लेते कि यहाँ पे एक एंड पॉइंट है अगर ये स्टेटमेंट ना होती। चूंकि ये स्टेटमेंट है इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्टली इसको जंक्शन पॉइंट की तरफ ले जाएगी, तो ये मेरे ख्याल में जो इसका बनना चाहिए था। अच्छा मेरे ख्याल अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ये कैसे वर्किंग कर रही, तो मैं इसलिए फिलहाल ये इसको ब्रेक करके लेके चल। अब आप कह रहे हो कि मैंने बड़ी आसान से आपको दे दी है, उसमें मैंने आपको फॉर लूप करने करके दिखाया या बाकी, तो मेरा ख्याल कहता कि नोट अ बिग इशू, अगर आप ये कर सकते हैं तो बाकी भी किया जा सकता है। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँगा अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल है तो मैं अपने सी एफ जी जनरेट करूँ। कवरेज क्राइटेरिया की बात करेंगे, अब व्हाट डज इट मीन कवरेज क्राइटेरिया, मतलब कि हम लोगों ने टेस्ट केसेस लिखे हैं, ये ऐसे टेस्ट केसेस लिखने हैं जो कि कवर करेगा उस कोड को। अच्छा अब क्वेश्चन है किस चीज़ को कवर करना है, अब वो कवरेज हमारे पास जो आ चुकी होगी उसमें जो जो स्टेप वन में हमारे पास है वो जी नोड कवरेज, फिर एज कवरेज है, स्टेटमेंट कवरेज है, डिसीजन है, कंडीशन है, एमसीसी है, डीसीसी है, लूप कवरेज है, पाथ कवरेज है। तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अगर तो हमारा मकसद था कि कवर किया जाए नोड्स को, तो नोड हमारे पास क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब नोड्स हैं, और ए एग्जांपल 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ एज। तो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपके पास ग्राफ थ्योरी का नॉलेज नहीं तो वी विल बी इन प्रॉब्लम। अच्छा तो नोड कवरेज की एग्जांपल करते हैं, तो नोड कवरेज आपसे क्या कहता है कि आप लोगों ने जो टेस्ट केसेस लिखने हैं वो इस तरह लिखने हैं कि सारे के सारे नोड्स एटलीस्ट सिंगल टाइम ज़रूर विजिट हों। मतलब कि आपने कुछ इस तरह से अपना ट्रैवल को प्लान करना है कि वो जो प्लानिंग आपकी इस तरह होगी कि आप 1, 2, up to 10 मतलब तमाम के तमाम नोड आपको विजिट करने, आप ये समझ लें कि आपके जो रिलेटिव हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 तक सब रिलेटिव हैं और आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो आपने आपके पास जितने भी दिन हैं आप चाहते कम से कम एक बार इनको सबको एक बार खुदा हाफिज़ कह के हूँ, तो आपने उन सब रिलेटिव पे उन सब नोड्स को सिंगल टाइम उनको ज़रूर विजिट करना है। अब फर्ज़ के रिलेटिव नंबर 1 आपकी खालना है, रिलेटिव 2 में आपकी पप्पो हैं, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि पप्पो से लेकर खालना के घर से लेकर पप्पो घर तो कवर करना, मैं ये नहीं कह रहा, हम बात करें कि इन दो घरों को कवर करना है, इनके बीच में जो सड़क की जा रही उस सड़क को ट्रैवल कवर करना हमारा यहाँ पे फोकस नहीं है, तो नोड कवरेज हमसे ये कहती है। अगर नोड कवरेज की तरफ जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम वन टू टू मूव कर सकते हैं, 2 to 4 मूव कर सकते हैं, 4 to 5 मूव कर सकते हैं, 5 to 6 पे मूव कर सकते हैं, 6 to 8 पे मूव कर सकते हैं, 8 to 9 पे मूव कर सकते हैं, 9 to 10 पे मूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो पाथ फॉलो किया आप भी यही फॉलो करें, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दी कि नोड अपन ने कवर करना है जैसे भी आप कर सकें। अच्छा अब पहला पाथ हो गया, अगर हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब है अभी भी कुछ नोड्स हैं जो कवर नहीं हो पाए, तो ज़रा उनकी भी तरफ लेके कोशिश करते जाने की कोशिश करते हैं। अब हम अगेन देखें, जब हम कवरेज की बात करेंगे तो कवरेज के रूल के मुताबिक दैट मस्ट बी अ कंप्लीट पाथ। अब इसका मतलब क्या है, कंप्लीट का पाथ का मतलब है जो इनिशियल नोड से लेकर फाइनल नोड तक सब को कवर करेगा, उसको हम कहते हैं कि ये है जी आपका कंप्लीट पाथ। ठीक हो गया, तो अब इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम आगे मूव करें तो वो क्या आ सकता है, उसमें बच्चों ये आएगा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 and 5 to हम आगे मूव कर गए हैं 6 की तरफ, 6 से मूव कर गए हम 7 की तरफ, 7 से हम वापस आ गए हैं दोबारा 6 पे, 6 से हम 8 पे मूव कर गए, 8 से हम 9 पे मूव कर गए, 9 से हम 10 पे मूव कर गए। ठीक है, तो अगर आप इन सब को दोबारा देखें, अब कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसको हमने कवर ना किया हो।
हो गया, आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अब नोट कवरेज अगर अगर हम बहुत अच्छे टेस्टर नहीं है तो देखें, अब आप देखें रूल के मुताबिक हमने नोट्स सब रिकवर कर लिए। हम ये नहीं कह रहे हमने इंटेलिजेंटली वर्क किया है, मैं ये नहीं कह रहा, हम ये बात कर रहे हैं कि सारे नोट्स कवर हो गए हैं, जो रूल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रूल है, जो नोट कवरेज की जो डेफिनेशन है वो हमने फुलफिल कर दी है। लेकिन अगर आप ज़रा गौर कीजिएगा, अब हमें एज कवरेज चाहिए। एज कवरेज में जो हमने कंसर्ट पड़ा सब सबमिशन का, वो क्या था कि अगर मैं एक चीज़ अचीव कर लूँगा तो बी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि अगर नोड कवरेज कर लिए गए हैं तो हम इनके बीच में रोड्स को क्यों कवर कर रहे हैं? मतलब खाला के घर से पप्पू के घर की जाने वाला रास्ता है, हम इन रास्तों को क्यों कवर करना चाहते हैं? तो अभी आपके सामने एक केस स्टडी है, ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे जब देखिएगा कि ये जो हम इन ऐसा रोड है 8 to 10, ये ऐसे मतलब 8 और 10, ये 2 घर तो कवर हो गए हैं, लेकिन 8 से 10 जाने वाला रोड कवर नहीं हुआ, नोड तो कवर हो गए हैं। अब लेकिन फॉर्चुनेटली ऊपर आप देखें सारे के सारे रोड्स भी कवर हो गए हैं, मतलब नोड्स के साथ साथ घरों के साथ साथ रोड्स भी कवर हो गए हैं। दूसरे वर्ड में नोड्स भी कवर हो गए हैं एंड ट्रांजिशंस भी कवर हो गई, एज भी कवर हो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 to 10 पे जाने वाला जो एज है ये कवर नहीं हो सका। ठीक हो गया। अब फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब बच्चों को ये हुआ कि हमें फिर इसके लिए एज कवरेज की ज़रूरत भी पड़ेगी। जो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एज कवरेज कर लें तो हमें कोई ऐसा पाथ करना जिसके थ्रू हम इसको भी कवर कर लें। तो अगर हम ये काम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा एज भी कवर हो गया, हमारे नोड्स भी कवर हो गए। लिहाजा जो एज कवर है ये सबसम्पशन करती है नोड कवरेज को भी, ये हमने लास्ट भी प्रूव किया था। अच्छा, स्टेटमेंट कवरेज आपसे कहती है, आप स्टेटमेंट कवरेज आपसे कहती है कि आप लोगों ने ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, अब स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट आर स्टेटमेंट्स, व्हाट आर डिसीजंस, व्हाट आर लूप्स। बस स्टेटमेंट्स की बात करो, जो प्रोग्राम के अंदर डिसीजन की तरफ हम नहीं जा रहे। हम एक एग्जांपल है, अभी हमने कोड देखा था, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन वाई है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप ये करें कि वाई को 0 साइन कर दें और उसके बाद आप क्या करें एक्स की वैल्यू को एक्स प्लस 1 कर दें। तो ये जो दो हमने लाइन लिखी थी, 2 लाइन्स ऑफ कोड, दीज आर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स कवरेज के रूल के मुताबिक आप लोगों ने टेस्ट केस को ऐसे लिखने के सारी की सारी स्टेटमेंट्स कम से कम सिंगल टाइम ज़रूर कवर हो। तो इसके रूल के मुताबिक अब आपने सबसे पहले क्या करना, आपके पास जो कोड दिया होगा इस मामले में, ये हमारे पास कोड है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोड को कन्वर्ट करेंगे इंटू CFG, कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स कवर होने जा रही हैं, जो होगी वो कौन कौन सी हैं, तो एक्सक्यूज मी, एक ये स्टेटमेंट है जी जो हमें कवर करनी है, और एक रिटर्न वाई, ये हमने कवर करनी है। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें कवर करनी है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं जी, इस पॉइंट के ऊपर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब आप लोगों ने टेस्ट केस लिखने और कुछ इस सेंस में लिखने हैं कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है, जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये कम से कम सिंगल टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर हम इसी स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पास करते हैं जिसमें वाई की वैल्यू लेस देन है एक्स से, मतलब अगर मैं कहता हूँ वाई की वैल्यू है 10 और एक्स की वैल्यू है 20, तो आप देखें ये बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू के सेंस में जैसे आप ट्रू करेंगे तो ये सारी के सारे स्टेटमेंट ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंटली ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, लेट्स इसको हम स्वैप कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास ही वाई की वैल्यू 20 है और एक्स की वैल्यू 10 है, तो इस मामले में अगर मैं उसी कंडीशन को दोबारा लेके चलता हूँ तो अब ये हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स के मामले में हम जब मूव करेंगे तो बच्चों जो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी दैट विल बी, हम इधर को मूव करेंगे तो अब इस मामले में रिटर्न वाई वाली स्टेटमेंट तो कवर हो जाएगी, लेकिन वाई इज इक्वल टू एक्स वाली स्टेटमेंट कवर नहीं होगी। देखें मैं यहाँ पे डिसीजन कवर नहीं कर रहा, इस डिसीजन के बाद हमने इन 2 लाइंस को कवर करना है। आपने कोई ऐसे टेस्ट केस लिखने जिसकी वजह से ये 2 लाइंस आपकी कवर हो सकें, तो ये है जी हम आपके पास स्टेटमेंट कवरेज। लेकिन स्टेटमेंट कवरेज में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वीकेस्ट कवरेज है और ये उस वक्त होनी चाहिए जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो। अच्छा, फिर हमारे पास है जी डिसीजन। अब डिसीजन कैसे कहते हैं, फैसला।
तो डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने क्या चीज़ कवर करने की कोशिश करनी है, ये है जी हमारे पास डिसीजन। इस डिसीजन को हमने कवर करना है तो सबसे पहले वी हैव टू मूव टुवर्ड सी एफ जी। तो हम इस कोड को सी एफ जी में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद अब हमें क्या काम करना है। अब इसका मतलब है कि अब हमने डिसीजन का मतलब है एक गलत डिसीजन और ठीक डिसीजन, मतलब ट्रू डिसीजन फॉल्स डिसीजन, हमने इन दोनों पाथ को कवर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिसीजन किस रीज़न के ऊपर हमने डिसाइड किया था। एग्जांपल है, हम एक जगह पे खड़े हैं, हम अब राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं। आपने कहा जी कि हम सर्च करेंगे मेडिकल स्टोर, आप कहें जी कि हम राइट पे मूव करते हैं, हम लेफ्ट पे मूव करते हैं, लेकिन जिस वजह से आपने डिसीजन लिया लाइफ राइट लेफ्ट जाने का, हम उस पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा फोकस सिर्फ ये है कि एक जगह पे जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं तो वहाँ पे जाने वाला जो राइट वाला पाथ है उसको कवर करना है और जो लेफ्ट वाला पाथ है उसे कवर करना है। वो राइट पे क्यों गए, लेफ्ट पे क्यों गए, ये हमारा फोकस इस वक्त नहीं है। तो अब इसका मतलब है आप लोगों ने टेस्ट केस लिखने, इस वक्त हम यहाँ पे इस खड़े जी, अब आपने कुछ ऐसा टेस्ट केस लिखना है, कुछ ऐसी चीज़ लिखनी जिसकी वजह से आप इस नो वाले पाथ की तरफ जा सकें, और दूसरा आपने को टेस्ट केस ऐसा लिखना है जिसके वजह से आप इस यस वाले पाथ की तरफ जा सकें। जैसे अभी हमने देखा था, अगर हमने कवर करना है नो वाला पाथ, तो अगर मैं कहता हूँ वाई की वैल्यू हमारे पास है जी फ़र्ज़ करें 5 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी लेट्स सपोज 10, तो इस मामले में जैसे हम इधर को आएंगे तो इसका मतलब है ये काम करने से हमारा जो ट्रू वाला पाथ है वो कवर हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर देते हैं या दूसरा कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टू वैल्यू है जी वाई की, और मतलब वाई की वैल्यू शुड बी लेस देन एक्स। तो अब मैं कहता हूँ जी कि अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, इसकी वैल्यू जी हमारे पास 1, अब ये हमारे पास फॉल्स होगी, तो अब हमारे पास ये फॉल्स वाला पाथ कवरेज में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये है जी जो चीज़ जिसे हम डिसीजन कवरेज कहते हैं। अब जो थर्ड क्राइटेरिया है, अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे 100% ब्रांच कवरेज कर ली, कैसे, क्योंकि हमने ट्रू वाला पाथ भी ट्रावर्स कर लिया, हमने फॉल्स वाला पाथ भी ट्रावर्स कर लिया, तो वी आर सक्सेसफुली 100% कवरेज अचीव कर लिया। अच्छा, अब कंडीशन कवरेज क्या है, कंडीशन कवरेज कहती है उस जिस फैसले की वजह से आप राइट पे गए थे और जिस पैरामीटर की वजह से आप लेफ्ट पे गए थे, अब हमने इन पैरामीटर्स को डिसीजन में लेके चलना है। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने नो एंड यस पे जाने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है वो कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन है साइज वेरिएबल से एंड वाई की वैल्यू लेस देन है साइज वेरिएबल से, तो इसका मतलब है फर्ज करें जैसे हमने यहाँ पे किया साइज को फिक्स कर दिया हमने कि जो साइज की वेरिएबल है दैट इज 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर ये वैल्यू 5 है तो अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने काम ये करना है एंड की वजह से, अब इसका मतलब है आपको इसको एक बार मतलब इसको आप ट्रू करेंगे और इसको फॉल्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको फॉल्स करेंगे एंड इसको ट्रू करेंगे, मतलब इसके दोनों कम्बिनेशन हमने यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे और फिर हम मूव करेंगे जो भी मतलब एग्जांपल है। अच्छा, इस केस में आप देख सकते हैं जैसे हमने ये वैल्यूज़ पास की हैं, तो अब आप देखिएगा कि दोनों केस में मतलब जो हमने टेस्ट केस लिखे ना, इन दोनों के दोनों टेस्ट केसेस के अंदर हम सिर्फ सिर्फ नो वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, हम यस वाले पार्ट को कवर नहीं कर पाए हमारे टेस्ट केस। ठीक है, तो अब हमने क्यों नहीं किया, ये हमारा प्रॉब्लम भी नहीं था। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने एक्स एंड वाई इनके बीच में जो एंड ऑपरेटर है, हमने क्या करना है एक्स एंड वाई को ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू इन दोनों के ऊपर टेस्ट करना है। जैसे ही टेस्ट किया हमारा काम हो गया, बस का बात ख़त्म। ठीक है, तो इस परस्पेक्टिव से जनाब आप देख सकते हैं कि 100% अचीवमेंट हमें नहीं हुई, ब्रांच कवरेज 100% अचीव नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यस वाला पाथ अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो सका, ट्रावर्स नहीं हो सका, विजन नहीं हो सका। ठीक है, तो अगेन क्यों नहीं हो सका, क्योंकि ये हमारा इसमें प्रॉब्लम ही नहीं था, हमारी ये हेडेक ही नहीं थी। हमारी हेडेक थी जिस पैरामीटर की वजह से, जिस जिन कंडीशंस की वजह से हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा मकसद था। ठीक है, अब इसका मतलब है जो अगर हम कंडीशन कवरेज की तरफ जाएं तो ये ज़रूरी नहीं कि डिसीजन कवरेज भी अचीव हो जाए। ठीक हो गया, अगर हम डिसीजन कवरेज की तरफ जाएं दैट मीन्स दैट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कंडीशन कवरेज नहीं होगी। तो ये दोनों आपस में दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे, होना तो ये चाहिए दोनों इकट्ठे चल पाते। तो इनका सोल्यूशन क्या है, इनका सोल्यूशन है जी MCC, मल्टीपल कंडीशन कवरेज। अब आपने इसमें क्या करना है
कि जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं, जितने भी एनी कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है, पहले में हम कहते हैं कि इसको ट्रू कर दें, इसको फॉल्स कर दें, पहला कॉम्बिनेशन तो ये आ सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है कि इसको फॉल्स कर दें, इसको फॉल्स कर दें, इसको ट्रू कर दें, ये दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है कि हम दोनों को फॉल्स कर दें। चौथा कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, चौथे कॉम्बिनेशन के रूल के मुताबिक दोनों में ट्रू आ जाएगा। अब ये काम करने से क्या होगा बच्चों, अब इस वक्त थोड़ा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, कि ये काम करने से हमारे पास देखें जो पहली तीन है एंड ऑपरेटर की वजह से, जो फर्स्ट थ्री हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, ये जिसकी तरफ जाएंगे, जो फर्स्ट थ्री टेस्ट केसेस हैं ये आपको जिस पाथ की तरफ लेके जाएंगे वो पाथ है नो वाला पाथ, ये वाला। लेकिन ये जो टेस्ट पर, क्योंकि एंड ऑपरेटर आपसे कहता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, तो जैसे ही आप ये वाला टेस्ट केस लिखेंगे तो आप देखेंगे आप ये यस वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। अब आप देखें एमसीसी के चक्कर में, अब एमसीसी के रूल के मुताबिक, ऑल कॉम्बिनेशन के रूल के मुताबिक हम लोगों ने कंडीशन कवरेज भी कर ली और इसके साथ साथ डिसीजन कवरेज भी ऑटोमेटिकली। अगेन हमारा ये अगेन में वही बात है कि हमने इसकी मल्टीपल चॉइसेस को देखा है, लेकिन यहाँ पे हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हमने ट्रू वाला पाथ ही कवर करना है। पाथ कवरेज हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम कंडीशंस पे हमारा फोकस है सारा का सारा। वो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये काम करने से ये साथ अचीव भी हो गई है। ओके, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने काम ये करना है कि ऐसा टेस्ट केस लिखना है जिसमें, अब देखें यहाँ पे तो तमाम कॉम्बिनेशन थे, तो ये कॉम्बिनेशन हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, 50, 60, 100, 70 कितने भी हो सकते हैं, तो अनलिमिटेड सोर्सेस तो हमारे पास नहीं है। तो इसका सोल्यूशन हमें दिया है डिसीजन कवरेज में, ये जो क्राइटेरिया है ये आपसे आपकी इंटेलिजेंस डिमांड करता है या आपसे आपका एक्सपीरियंस डिमांड करता है। अब देखें आपने मिनिमम टेस्ट केस लिखने हैं, तमाम कॉम्बिनेशन लिखने हैं, मिनिमम टेस्ट केसेस लिखने हैं जिसमें आपकी कंडीशन भी कवर हो जाए और इन कंडीशन की वजह से आप लोगों के जो पाथ है वो भी कवर हो जाए, मतलब पाथ भी कवर हो जाए, पाथ और कंडीशन भी कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा, इसके बीच में आपको नजर आ रहा है दैट इज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर की वजह से अगर आप चाहते हैं कि यस वाला पाथ कवर हो तो आपको इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, दोनों का ट्रू ट्रू वाला कॉम्बिनेशन। मतलब अब इसका मतलब है पहला कॉम्बिनेशन हमने इसका टेस्ट किया वो ट्रू एंड फॉल्स वाला कर लिया। ठीक है, तो अब इसके पर्सपेक्टिव से आप यस की तरफ मूव कर देंगे और जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है वो दोनों का फॉल्स पे चेक कर लें। अब जैसे फॉल्स को चेक करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास ये नो वाला हिस्सा भी कवर हो जाएगा। अब आप देखें कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी रिड्यूस हो गए इंटेलिजेंटली। बेनिफिट क्या हुआ कि हम लोगों ने कंडीशन कवरेज भी कंप्लीट कर ली एंड डिसीजन कवरेज भी कर ली। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि आपको दोनों कॉम्बिनेशन टेस्ट करने हैं ट्रूज एंड फॉल्स वाले, लेकिन अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमने इसको भी अचीव कर लिया है। कैसे अचीव कर लिया है कि अब हमारे पास वेरिएबल हैं ये एक्स एंड वाई। अब आप देखिए हमने एक्स का कॉम्बिनेशन ट्रू के साथ, हमने एक्स को ट्रू भी करके देख लिया, एक्स को फॉल्स भी करके देखा एंड सेम विद वाई, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी आपके पास आ गए और साथ में, तो दैट ये बहुत पावरफुल कवरेज है। मैं ये नहीं कहता कि सबसे पावरफुल कवरेज है, मतलब ये पावरफुल है एज कम्पेयर टू जो अभी हमने बाकी चीज़ें उसमें देखी हैं। फिर हम मूव करते हैं लूप कवरेज पे। तो लूप कवरेज में सिंपल है, अगर तो सिंपल लूप तो उसमें से एक बार आइट्रेट कर दिया, मतलब आपने जनाब यहाँ से मूव किया, आपने इसको सिंगल पाथ पे मूव किया और आगे चले गए, खैर सलाह, नो नो बिग इशू। लेकिन अगर लूप में कॉन्कैटिनेशन है तो आप सिंपली क्या करें, आप इनको अलग ट्रीट करें, अलग ट्रीट मतलब इस सिंपल लूप डेवलप कर लेना और इस लूप को अलग से टेस्ट करें और दोनों को कॉन्कैटिनेट करें तो आसानी हो जाएगी। नेस्टेड लूप में क्या होगा कि सबसे पहले जो इनर लूप है उसको कवर करें, फिर जो आउटर लूप है उनको कवर कर लें, ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। नोटल लूप में देखें, अब ये जो मैं अगर मैं सबको मैं अगर अरेज ऑल करूँ ना तो यहाँ पे वापस आने की कोशिश करें, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली हो पा रहे थे, मतलब ये अलग से टेस्ट हो पा रहा था, ये अलग से टेस्ट हो पा रहा था, यहाँ भी ऐसा था, ये हिस्सा अलग से टेस्ट हो पा रहा था, ये हिस्सा अलग से टेस्ट हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी आप लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं साथ ही ये लूप भी आ गई, ये देखिए। तो
ये है जी वो चीज़ें जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं। इसे कहते हैं नोट, टाई वाली नोट जो थी, नोट लगी है। तो इस मामले में ये चीज़ बता रही है कि आपको अपने कोड को रीस्ट्रक्चर करना होगा, मतलब कि आप इसको थोड़ा वापस लेके आए, इस सेंस में कि ये नोट है ये ब्रेक हो, नहीं होगी तो आई एम सॉरी, हमें यहाँ पे सॉरी करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे डिवेलपर या डिज़ाइनर नहीं है। अच्छा, अब बेसिक पाथ टेस्टिंग आपसे क्या कहती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको बस कोड दिया जाएगा, उस कोड को आपने कंट्रोल फ्लो में कन्वर्ट, जब आप कंट्रोल फ्लो में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेकंड नंबर पे आपने उसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी निकाल ली है, वहाँ से बेसिक पाथ निकालना है, बेसिक पाथ से इंडिपेंडेंट पाथ भी आपके पास आ जाएंगे, इसके टेस्ट केस लेके उनके एग्जीक्यूट कर दें, सिंपल सी लॉजिक है, अभी करके देख लेते हैं। अच्छा, फार्मूला जी एच माइनस नोड प्लस टू पी एंड बी प्लस वन, जो आप लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। तो अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा, हमारे पास कोड था और इस कोड के परस्पेक्टिव से आप देखें हमारे पास कितने एज हैं, तो ये चीज़ बता रही है हमारे पास 22 एज हैं, 16 नोड्स हैं एंड डिसकनेक्शन इसमें एक कोई भी नहीं, एक ही बाई डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास वी ऑफ जी इज इक्वल टू 8 आ गए हैं। अब हमारे पास वो कौन कौन से हैं, तो शुरू करें। अच्छा, अब जो सबसे फोकस्ड वाली चीज़ है ना साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी के अंदर, वो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें डिसीजन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, डिसीजन पॉइंट्स इसमें सबसे क्रिटिकल है। तो अगर मैं इन डिसीजन पॉइंट्स पे जाऊं आपके सामने, तो एक डिसीजन हो रहा है जी, आपको नज़र आ रहा है जी ए के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक डिसीजन हो रहा है ए के ऊपर, एक डिसीजन हो रहा है डी के ऊपर, जो थर्ड डिसीजन हो रहा है दैट इज ऑन एफ, उसके बाद हमारे पास एक डिसीजन आ रहा है एच के ऊपर, फिर हमारे पास डिसीजन आ रहा है जी एम के ऊपर। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके ऊपर डिसीजन हो रहा है, क्यों, डिसीजन ही हमें लेके चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा, कोई डिसीजन मैंने मिस तो नहीं कर दिया। अच्छा, डेफिनेटली यहाँ पे जो मल्टीपल हमारे पास इसके रास्ते हैं, तो मैं अभी आपके सामने इसका भी जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, एनीहाउ, अब इसके पर्सपेक्टिव से ज़रा हम आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने के बाद ये है जी वो सारे के सारे पैटर्न। अब देखें, हमने कहा जी कि अब हमारे पास एक बेस पाथ, बेस पाथ का मतलब है जिसको देखते हुए हम फैसला करेंगे कि क्या हमने ये पाथ पहले ट्रावर्स तो नहीं कर लिया, अगर कर लिया तो दोबारा इस पाथ पे नहीं जाना हमने। तो मैं इसका बेस पाथ लेता हूँ कि फॉल्स वाला, तो हम कहते हैं ए टू बी, बी टू डी, और डी से बाद हमने कहा जी कि हम डायरेक्ट मूव कर देंगे इसके पी की तरफ। अगेन इट मस्ट बी ए कम्प्लीट पाथ, मतलब ये स्टार्ट से लेकर एंड नोड तक इसको जाना चाहिए, तो कम्प्लीट पाथ होना चाहिए। अब इसका मतलब है, देखिए अब आपने क्या करना है, अब आप कहेंगे मैं एफ का जी वाला पाथ कवर करूँ, नेवर, कभी भी नहीं। जिस डिसीजन पॉइंट को आपने छेड़ा है, टच किया है, जिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपने इसका एक पाथ कवर कर लिया तो दूसरा पाथ भी कवर कर लें, मतलब अब हमारा फोकस है कैसे हम ए टू सी पे जाएंगे, हमारा बाकी ये वाला कोड कवर करना हमारा मकसद नहीं है। तो अब एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करेंगे, तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए, देयर शुड बी ए टू सी, सी टू डी, और ये बाकी डी टू पी की तरफ। तो ये हमारे पास यहाँ पे टू डिसीजन पॉइंट आ चुके हैं। अब इसका मतलब है जो डिसीजन, जो ए वाला डिसीजन हो रहा है, इस डिसीजन के रूल के मुताबिक हमने इसका जो फॉल्स एंड ट्रू दोनों पाथ कवर कर लिए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि अब हम ए टू बी, बी टू डी, या ए टू सी, सी टू डी, किसी भी रास्ते से आए वो हमारे को मसला नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं बी वाले पाथ को प्रेफर करता हूँ, टू ए टू बी, बी टू डी, डी टू ई। अब क्वेश्चन है हम डी टू ई की तरफ क्यों आए हैं, अब आप देखें डी पे हो रहा है डिसीजन, तो डिसीजन में इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं, दोबारा से कवर करने का बेनिफिट कोई नहीं। अब इसका ट्रू वाला पाथ कवर नहीं हुआ था, लिहाजा हमने डी टू ई की तरफ जाना पसंद किया कि उसके बाद ई टू डेफिनेटली हम एफ की तरफ मूव करेंगे, और एफ से फिर आगे कोई एक पाथ लेने वाला, एग्जाम्पल है जी पे गए, जी से फिर हमें एम पे आना पड़ेगा, एम से फिर आगे हम ओ की तरफ चले गए, ओ से फिर हमें वापस मूव करना पड़ेगा डी पे, और डी से वापस हमें आना पड़ेगा पी की तरफ। अगेन क्वेश्चन है कि दोबारा क्यों कर लिया इसको, उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा था दैट मस्ट बी कम्प्लीट पाथ जो हमें एंड नोड की तरफ जाए। आई होप कि ये अब सारी कहानी आप समझ चुके हैं कि ये उसकी वर्किंग कैसी होनी है। जो चीज़ लास्ट टाइम आपको जो अभी मैंने मिड के एग्ज़ाम देखे हैं वो भी कोई उसमें भी आपने ये मिस्टेक्स की हैं, लेकिन टेस्ट केस
जो आप वो लिखना आप प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि इस सब सबको मैं दोबारा आपके सामने लिखा है और वो आपके सामने लेके आ गया। अब आपने क्या कहा, मैंने यहाँ पे जो डिसीजन लिए थे, सॉरी डिसीजन से मेरा मतलब है कि हमने यहाँ पे कहा था एक डिसीजन यहाँ पे हो रहा है, एक डिसीजन हमने कहा जी यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद हमारे पास एक डिसीजन एफ पे हो रहा है, एफ के बाद हमारे पास एक डिसीजन हमारे पास एच पे आ रहा है, एच पे आने के बाद डिसीजन हमारे पास एक एम पे जा रहा है, एम पे जाने के बाद फिर हम ओ पे जाते हैं, इधर जाते हैं, मीन्स और जितने भी हैं जरूरी नहीं है। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, आप इन डिसीजंस को अब यहाँ पे एलोकेट करें इनके कोई ना कोई नेम्स, कोई ना कोई वेरिएबल नेम जैसे होते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे इसका जो नेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया है दैट इज़ वो ये है, जो ए है जो पहला डिसीजन हो रहा है, हमने कहा जी ये आपके पास है सी वन, ये कंडीशन वन है, ये हमारे पास कंडीशन टू है। इस तरह से हम इन सब कंडीशन को सी वन सी टू सी थ्री ये सब का सब हमने असाइन कर दिया अप टू सी फाइव, क्योंकि यहाँ पे फाइव डिसीजन है तो फाइव हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ओके। अच्छा अब इनके रूल्स के मुताबिक ये इनके इस हिसाब से अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है ये जो पहला पाथ था इस पाथ की तरफ मूव करते हैं। अब ये पाथ एग्जीक्यूट करने के लिए हमने फैसला क्या किया था, हमने कहा था जी कि हम ए टू बी पे मूव करेंगे। वो दोबारा कर मैं आपके सामने इसको वापस ले आऊँ, इसी को ले लेता हूँ। हमने कहा जी हम ए टू बी पे मूव करेंगे, बी टू डी पे मूव करेंगे और डी से मैं मूव करेंगे पी की तरफ, ये हमने डिसाइड किया था, ये हमारा बेसिक पाथ था। अब अगर इसको टेस्ट करना है तो टेस्ट केस वन क्या होगा, तो ये है जी टेस्ट केस वन जिसमें मेरा फोकस है। इसका मतलब है अगर आप इस पाथ को ट्रावर्स करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपने कंडीशन वन को फॉल्स करना है। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, तो कंडीशन वन को जैसे आप फॉल्स करेंगे तो आप ए टू बी पे आ जाएंगे, बी टू डी पे आ जाएंगे, डी तक आके फिर आपको रुकना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे कंडीशन टू आ चुकी है, अब कंडीशन टू पे हमने पी पे मूव करना है। तो यहाँ से इस तरफ जाने के लिए हमारे पास जो फर्दर है वो है जी फॉल्स। इसका मतलब है कंडीशन टू के ऊपर भी आपको फॉल्स वाला पाथ कवर करना है और फिर आप पी की तरफ आ जाएंगे। तो अब ये पाथ कवर करने के लिए आपको कंडीशन थ्री की भी ज़रूरत नहीं है, कंडीशन फोर की भी ज़रूरत नहीं है, कंडीशन फाइव की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप इसका अपोजिट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका जिस पाथ को कवर करना है वह है ये वाला। ठीक है तो ये मेरा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरा अब फोकस है जी इस वक्त इस थ्री पार्ट के ऊपर, तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ आ जाते हैं, नॉट अ बिग इशू। अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमने कहा जी कि आप ए टू बी मूव करेंगे, इसका मतलब है ए टू बी मूव करने के लिए आपके पास है कंडीशन वन, तो कंडीशन वन को आपको करना पड़ेगा फॉल्स। अगर कंडीशन वन को फॉल्स करेंगे तब ही आप ए से बी की तरफ मूव कर सकेंगे एंड बी से डी की तरफ मूव कर सकेंगे। ठीक है फिर डी जैसे हम डी पॉइंट पे पहुंचे हैं तो डी पॉइंट पे एक्सक्यूज मी डी पॉइंट पे पहुंचे, डी पॉइंट पे हम आ गए कंडीशन टू। तो कंडीशन टू के रूल के मुताबिक अब हमें मूव कहाँ पे करना है, ए टू बी, बी टू डी, डी से हमें मूव करना ई की तरफ, ई और एफ की तरफ। तो वो हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरफ, ये पाथ है। इसका मतलब है जो डी कंडीशन ट्रू है, आप जो कंडीशन नंबर टू है दैट मस्ट बी ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ही आप ई नोड की तरफ मूव कर सकेंगे, ई पे मूव करेंगे तो दैट डेफिनेटली आप एफ की तरफ मूव कर सकेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कहा जी कंडीशन ट्रू अगर ट्रू होगी तब ही आप मूव कर सकेंगे ई एंड एफ पार्ट की तरफ। अच्छा जैसे हम एफ पे पहुंचे हैं तो दैट इज डिसीजन थ्री, तो डिसीजन थ्री से हमने अब कहाँ पे गए हैं, एफ से हम मूव किया है जी की तरफ, ये देखें। तो जी की तरफ जाने के लिए ये देखें ये जी की तरफ, अब यहाँ पे है ये स्विच स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो नहीं होगा, तो अब है यहाँ पे पाथ। तो इसका मतलब है एफ से जी पे जाने के लिए आपको ए वाला केस फॉलो करना पड़ेगा। अब आप देखें हमने यहाँ पे यही किया कि आप ए वाला केस फॉलो करेंगे और ए वाला केस फॉलो करने के बाद आप मूव कर जाएंगे एम के ऊपर। ठीक है जैसे आप एम पे मूव करेंगे अब आप देखें ये जो एच है ये वाला हमने कवर नहीं किया, लिहाजा हमने कहा दिया हमने से क्या किया है, हमने कहा जी दैट इज एन ए, मतलब ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा फर्दर हम एम पे चले गए, अब एम पे जाने के बाद हम कहाँ पे गए ओ की तरफ, तो एम से ओ की तरफ जाने के लिए आपको हमने क्या कहा जो सी फाइव है दैट मस्ट बी फॉल्स।
तो ये है जी इसका टेस्ट केस। आई होप कि बाकी टेस्ट केस भी इसके साथ चलेंगे। आई डोंट नो कि क्यों आप इस पर फोकस नहीं कर पा रहे या एटलीस्ट नहीं किया आपने फोकस, आई डोंट नो कि क्या मसला था। तो ये है जी इसके टेस्ट केस जो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि हम सॉफ्ट टेस्टिंग पढ़े तो टेस्ट केसेस लिखना हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, डिवेलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेवल के ऊपर। तो आई होप अब आपके पास तो कितने टेस्ट केस होने चाहिए, धन्य पाथ है तो पाथ हमारे पास कितने थे, 8 पाथ है तो 8 टेस्ट केस होंगे, रूल ऑफ थम जनरल सब हमारे पास है। ओके अब हमारा मकसद क्या था, कंट्रोल कैसे कैसे मूव कर रहा है। अब हम मूव करेंगे कि डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। तो अब वो हमारे पास जो ऑप्शन है, तो अब आपको कुछ पैटर्न को लेके चलना है, दैट इज़ डिफाइन। जब हम डी की बात करेंगे तो डी में मैंने कहा था इसका मतलब है डिफाइन, इसका मतलब है इनिशलाइज, इसका मतलब है क्रिएट, सब चीज़ों का मतलब एक ही है। किल का मतलब है अनइनिशलाइज, डिलीट, किल्ड, अनडिफाइंड, जो मर्जी इसको आप कह दें, ठीक है। यू हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास है जी किल, और जो यू पैटर्न हमारे पास है तो यू में फर्दर अगर आपको यू तो हमारे पास है, तो नंबर एक था कंपटीशन में यूज़ है और दूसरे नंबर पे इसमें पी यूज़ है, मतलब प्रेडिकेट के तौर पे यूज़ है। कंपटीशन का मतलब है किसी ना किसी ऑपरेशन में वो काम आ रहा है, मतलब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी कंपटीशन में यूज़ हो रहा है और वो साइन और वैल्यू सी को, तो सी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। जो P है वो है डिसीजन में, इफ़ X लेस देन Y, तो X एंड Y यहाँ पे P यूज़ के तौर पे आएंगे, तो वो आपने लास्ट टाइम इसको देखा है। तो D का मतलब है टिल्डा, D का मतलब है कि डिफाइन नहीं था, आपने डिफाइन कर दिया। टिल्डा U का मतलब है कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने यूज़ कर ली। एंड टिल्डा K का मतलब है कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने उसको किल कर दिया। तो ये पहली कंडीशन ये एक्सेप्टेबल है, बाकी दो कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं, इनकरेक्ट हम कहेंगे। इसी तरह से अब हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन लिया था, वो मैं कॉम्बिनेशन कैसे लिया था आपको मेरा ख्याल 100% याद होगा कि इसको कॉम्बिनेशन में क्या था। तो ये हमारे पास एक तो ये पार्ट इसमें आ जाएगा डिफाइन डिफाइन के साथ। आई होप कि ये सब चीज़ें आपके माइंड में होगी कि कैसे, इसलिए मैं इनको रिवाइज नहीं कर रहा। ये हमारे पास एंड थर्ड वन हमारे पास है ये वाला, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनोमली आपने डिटेक्ट करनी है। इनोमली में हमारे पास जो है वो ये दो हैं कि आपने एक वेरिएबल किल किया, उसको दोबारा यूज़ कर लिया और किल किया फिर किल कर दिया। ये तो 100% बग है, जो जो हार्मल जो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक है। जिस पे हमें डाउटफुल है, डाउट किया जा सकता है, वो ये है कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया फिर डिफाइन कर लिया, और ये है कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया किल के लिए, मतलब एक वेरिएबल डिफाइन किया तो उसे कहीं यूज़ नहीं किया, किल कर दिया, भाई क्या वजह क्यों। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मली तो है लेकिन सस्पिशियस है, मतलब इसमें हमें शक है, लेकिन ये जो लास्ट पर दो चीज़ें इसमें हमें शक नहीं, ये 100% हमारे लिए नॉर्मली हैं, बग हैं इस सिस्टम के अंदर। स्टैटिक डेमो फ्लो और डायनामिक, वो आप मेरा ख्याल वो जो पॉलीमॉर्फिज्म वाली हमने बात की थी वो इस पर अप्लाई होती है। अच्छा अब जो साइमन में आपको देख रहा हूँ वहाँ भी आपने ये काम किया है। देखिए हमारे पास कोड है, उस कोड को हमने जो कोड था उस कोड को हमने कन्वर्ट किया था सीएफजी के अंदर, कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर, कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर। बेसिकली ये जो आपका डेटा फ्लो है ना, ये है सीएफजी, लेकिन बच्चों इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं, वो ये है कि जो डेटा फ्लो है ना, डेटा फ्लो ग्राफ, इसके अंदर हम कोड नहीं लिखते, इसके अंदर हम लिखते हैं कि वेरिएबल कहाँ कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे वो किल हो रहा है। ये जो पैटर्न है डिफाइन जो किल वाला, ये डिफाइन करना हमारा यहाँ मकसद है, कोड लिखना यहाँ हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि कोड का फ्लो नहीं देख रहे हम, इसके अंदर जो वेरिएबल जो डेटा का मसला हम उसको देख रहे हैं, तो दैट इज़ द डेटा फ्लो ग्राफ। तो अब जब देख लेते हैं, जो हमारे पास को कोड था उसको हमने कन्वर्ट किया सीएफजी के अंदर, डीएफजी के अंदर। अब आपने क्या करना है कि एज अ कंपाइलर एक वक्त में सिंगल वेरिएबल पर फोकस करना है। तो पहला वेरिएबल हमारे पास है जी एक्स, तो एक्स के फोकस में देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखें हमारे पास एक्स वाई वगैरह सब आ चुका है, तो ये हमारे पास एक्स है। तो एक्स पे हमारे पास डिफाइन हुआ, तो दो हमारे पास बनती हैं, इधर की एक है और दूसरे नंबर पर जो एक्स है वो इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है सबसे पहले कि डिफाइन नहीं था वेरिएबल, एक्स आपने डिफाइन कर दिया। अब ये डिफाइन हो चुका है, तो अगर मैं आता हूँ इसकी तरफ तो फिर आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब ये डिफाइन है तो डिफाइन के साथ फिर यहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका एक पाथ है। दूसरा पाथ है कि डिफाइन नहीं था,
अब ये डिफाइन हो चुका है तो आपने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, तो इस मामले में थोड़ा सा सस्पिशियस एंट्री बनने के डिफाइन करके फिर क्यों डिफाइन किया, बाकी ये सब ओके है। तो इस तरह से आपने हर वेरिएबल को इस पर वर्किंग करनी है। आई होप कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग में बात आ चुकी है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरफ, जिसपे आप मुझे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरिएबल सर सामने का सोचने प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा फोकस तो करें हो क्या रहा है। बेसिकली ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन आप बेसिकली वो नई चीज़ों को देख पा रहे। तो अब मेरा मकसद आपको इन टेक्निक्स का पता है, जो प्रॉब्लम है मैं आप डायरेक्ट उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आता हूँ, ठीक है। तो अच्छा जी हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो जी फंक्शनल डिकम्पोजिशन बेस्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें हम करते हैं बिग बैंग है, टॉप डाउन है, बॉटम अप है, सैंडविच है। फिर हमारे पास आई थी कॉलग्राफ बेस्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसमें हम पेयर वाइज टेस्टिंग करते हैं, पेयर वाइज इंटीग्रेशन करते हैं एंड फिर हमारे पास नेबरहुड आ जाती है। फिर आखिर में हमारे पास आती है पाथ बेस्ड। बेसिकली मैंने आपसे कहा था ये सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन मैं इसको यहीं पे कवर करवाता होता हूँ। इसमें आप लोगों ने एमएम पाथ की तरफ देखा था। तो शुरू करते हैं जी, हमारा जो पहला जो प्रोसीजर कोड के पर्सपेक्टिव से डबल ओ के हिसाब से नहीं है, इसको फोकस करते हैं। बिग बैंग तो हमें सिंपली क्या कहता है जी, सारे कोड को इकट्ठा जोड़ो, इंटीग्रेट करो और टेस्ट केस लिखो और फारग करो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है हमारे पास ये, तो इस पर मैं बहुत फोकस नहीं करूँगा क्योंकि नॉट अ गुड ऑप्शन के लिए, काम टाइम बच जाएगा, लेकिन अगर कोई इसमें एरर आ गया तो उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, टॉप डाउन में क्या है, आप टॉप से शुरू हुए बॉटम की तरफ टेस्ट करना चाह रहे हैं, डाउन की तरफ टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसमें इशू क्या है या अच्छाई क्या है, इसमें अच्छाई ये है कि जो टॉप वाले जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो रेडी है टेस्ट होने के लिए, लेकिन जो डाउन वाले इलाके हैं मतलब जो बॉटम की तरफ है वो रेडी नहीं है टेस्ट होने के लिए। अभी उस पर वर्किंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही, कोड लिखा जा रहा है अभी इसी का, लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है। तो इस पर्सपेक्टिव से मेरे कहने का मतलब है कि जो कस्टमर की क्लास है रेडी है, ऑर्डर की क्लास रेडी है, लेकिन यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है नंबर एक है जी कॉरपोरेट कस्टमर, इस पे अभी कोड लिखा जा रहा है ये रेडी नहीं है। दूसरे नंबर पे है जी पर्सनल कस्टमर, तो ये हमें रेडी नहीं है, लिहाजा इनकी जगह पे हम लिखेंगे स्टब्स। अब वो स्टब्स क्या हो गए, डमी कोड होगा जो इसके बिहेवियर को तो ऑटोमेट कर देगा या सिमुलेट कर देगा, लेकिन ओरिजिनल कोड नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वो मेरा पता तो आपको था, लेकिन क्वेश्चन है जी कैसे करना है। अब ये आज कैसे वाली बात की तरफ फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला है स्टब्स निकालने का, नोड्स माइनस लीव्स। अच्छा अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे हायरार्की के ऊपर फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे इस प्रॉब्लम पे। तो मैं अब आपको दोनों की तरफ लेके चलता हूँ, हायरार्की में पूरे की पूरी भी अप्लाई करके और लेवल बाय लेवल इसको अप्लाई करके। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि इसमें कितने स्टब्स चाहिए होंगे और दूसरे नंबर पर कितने सेशन चाहिए होंगे इनको इंटीग्रेट करने के लिए। तो जो इसका जो जनरल फार्मूला है ना स्टब्स निकालने का, वो है कि जितने भी नोड्स हैं उनमें से अगर आप वन माइनस कर देंगे, वन कौन सा होगा जो इसका टॉप वाला मॉड्यूल होगा, तो वो डेफिनेटली आपके पास स्टब्स आ जाएगा। तो इस मामले में अब हमारे पास कितने स्टब्स चाहिए देख लेते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एट नोड्स हैं, एट में से वन निकलाएगा तो हमारे पास टोटल बचेंगे सेवन। अब हमें यहाँ पे सेवन स्टब्स लिखने होंगे, कैसे लिखने हैं अब इसकी तरफ आते हैं। और दूसरे नंबर पे सेशन, जब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए अब जब हमने इसका लिंकअप का प्रोसेस करना है तो वो क्या होगा, हम एक वक्त में इस पे फोकस करेंगे, जब ये कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाएगा तब फिर हम फोकस करेंगे इससे एक पार्ट नीचे की तरफ जो कि हमारे पास होगा ये वाला। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब ज़रा हम शुरू करते हैं जी, मैं सबको यहाँ पर रिमूव करता हूँ और मैं अगेन हर चीज़ करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन रूल आपने समझना कि हो क्या रहा है। सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं जी, जो पहला लेवल है जो कि हमारे पास अचीवेबल है कुछ ये वाला, तो ये है जी वो लेवल जो सबसे पहले हमने अचीव करना है। तो इस मामले में अच्छा अब लेवल बाई लेवल फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इस जगह पर फार्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ पर हमारे पास नोड्स है वन टू थ्री एंड फोर, तो अब यहाँ पे हमारे पास फोर नोड्स हैं और फोर में से जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारे पास बनेंगे थ्री। अब इसका मतलब है अब हमें यहाँ पे तीन स्टब्स लिखने पड़ेंगे,
कैसे लिखने पड़ेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखने सेशन, तो सेशन कितने चाहिए होंगे, सिर्फ मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी वाला लेवल, मैं बी सी ई एफ की तरफ नहीं जा रहा। अब ये हमारे पास आ जाएगा, नोट्स हमारे पास 4 हैं, लीव्स कितने, लीव्स का मतलब जहाँ आगे फर्दर नहीं है तो उसमें हमारे पास बी सी एंड डी, तो ये 3 हमारे पास लीव्स हैं। और इसमें एज कितने हैं जी, एज आप देख लें इसमें ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, और 3 ही हमारे पास इसमें एज हैं। तो इसका मतलब ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, दैट व्हाट डज दिस मीन। तो इस लेवल के ऊपर हमें 3 स्टब्स चाहिए और 4 सेशन चाहिए। अब प्रूव करते हैं कि ये जो बात मैंने की ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले जनाब हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन सेशन। अब रूल के मुताबिक ए रेडी है, बी सी डी रेडी नहीं है, मतलब कोड नहीं किया हुआ, लिहाजा अब हम इसकी जगह लिखेंगे स्टब्स। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये आ जाएगा ए, ए आएगा, ए के बाद हम लिखेंगे स्टब ऑफ बी, तो मैं एस एफ एस का मतलब है स्टब, तो स्टब ऑफ बी लिखेंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे स्टब ऑफ सी, फिर हम लिखेंगे स्टब ऑफ सी, फिर ये हमारे पास आ जाएगा जी स्टब ऑफ डी। तो अभी मैंने क्या कहा था कि हमें इस वर्किंग के लिए 3 स्टब चाहिए, तो आप देख लें 3 स्टेप हमारे पास आ चुके हैं, 1, 2 एंड 3। तो अब ये प्रूव हो गया कि इसके वर्किंग के लिए हमें 3 स्टब चाहिए, तो 3 स्टब आपके सामने हैं। तो जनाब मैं इसको ज़रा फिलहाल अरेज करता हूँ। ले जी, ये हमारे पास पहला सेशन है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक एक वक्त में एक दो चीज़ें जुड़ेंगी, एक वक्त में 2 मॉड्यूल जुड़ेंगे। तो इसका मतलब है अब हमारे पास ए तो ऑलरेडी ठीक है, तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमारे पास आ जाएगा, सेशन आ जाएगा, मुझे आ जाएगा, ए तो ऑलरेडी तैयार है, प्रिपेयर है, मसले में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बी का स्टब रिमूव करेंगे, ओरिजिनल कोड के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का मॉड्यूल। अब फिर हम स्टब ऑफ सी, ओके, हम एक वक्त में एक से ज़्यादा को नहीं छेड़ सकते, लिहाजा स्टब ऑफ सी ऐसे ही रहेगा एंड स्टब ऑफ डी भी ऐसे ही रहेगा। ये लीजिए हमारे पास आ चुका है। अब थर्ड नंबर पे जो हमें यहाँ पे वर्किंग करनी है वो ये है कि थर्ड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, वो ये है कि अब ए प्रिपेयर है, ऑलरेडी रेडी है वर्किंग के लिए। अब हमें बी का स्टब वापस रिप्लेस कर देंगे, अब हमने रिमूव करेंगे सी का स्टब, तो ये बी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास सी अकेला आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल कोड के साथ इंटीग्रेट होगा, और स्टब ऑफ डी एज इट इज़ ही रहेगा। लीजिए स्टब ऑफ डी एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम आते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट के रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, अब हम ए जो ऑलरेडी प्रिपेयर है इसको बिल्कुल ठीक कर ऐसे लिखेंगे, फिर स्टब ऑफ बी हमारे पास आ चुका होगा, फिर हमारे पास स्टब ऑफ सी एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास ए बी भी इंटीग्रेट हो चुका है, सी भी इंटीग्रेट हो चुका है, स्टब ऑफ सी वैसे रिप्लेस कर देंगे, अब हम जुड़ने जा रहे हैं डी के साथ। तो ये जी एक तरीके के साथ आपका ये सब के सब एक वक्त में स्टब को रिमूव करके हमने इसको सेशन को इंटीग्रेट भी कर लिया। अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया था कि हमें ये काम करने के लिए 4 सेशन चाहिए, तो आप चेक कर लें जी ये 4 सेशन ही हुए हैं, दैट इज़ सेशन 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज़ लेवल बाय लेवल फार्मूला एप्लीकेशन। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कैसे कर रहा है। इसके बाद मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो हिंट क्या आएगा, अब आपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर ये जो स्टोरी है ना, मतलब जो मंजर है ना, इस पे काम करना है। अब इस मंजर के अंदर आई एम डैम श्योर आप फिर अगली गलती क्या करेंगे, आपके ख्याल में क्या यहाँ पे सी का ज़रूरत है, हमें यहाँ पे सी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सी किसी भी लोअर मॉड्यूल को कॉल नहीं कर रहा, लिहाजा फार्मूले में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कितने स्टब चाहिए होंगे इस इन लेवल के ऊपर, तो अब यहाँ पे बेस्ट पे गौर कीजिएगा, एक स्टेप इसका लिखना पड़ेगा, दूसरा स्टेप इसका लिखना पड़ेगा, तीसरा स्टेप इसका लिखना पड़ेगा, चौथा स्टेप इसका लिखना पड़ेगा, तो इस लेवल के ऊपर हमें 4 स्टेप चाहिए होंगे। एंड कितने सेशन चाहिए, अब आप जरा सोच के देख लीजिएगा। तो लेकिन तरीका वो मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसे वर्किंग करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल
अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं अगर जो समझ पा रहा हूँ तो आप ज़रा, मैं 1 मिनट के लिए चुप करता हूँ, ज़रा सोच के देखिएगा कि इस लेवल पे कितने सेशन चाहिए इंटीग्रेशन के, जो जो मैं अभी मैं कर रहा हूँ बी से लेकर आगे तक। मैं फ़िलहाल रुकता हूँ और ज़रा आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और ख़ुद से सोचें यहाँ पे कितने हमें चाहिए होंगे। जी वेरी सिंपल है, अगर फार्मूला ना भी देखें तो आपको नज़र आ रहा है वी नीड 6 सेशन हियर। ठीक है, कैसे है आपका अंडरस्टैंडिंग में बात आनी चाहिए। अगेन मैं बताऊंगा तो फिर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, थोड़ी सी एफर्ट आपको भी करनी होगी। अब देखिए ज़रा गौर कीजिएगा, जो पहली मंजिल है, जो पहली स्टोरी है, उसके ऊपर हमारे पास सेशन इंटीग्रेशन सेशन आई 4। जो दूसरी अभी हमने सॉल्व किया है, इसके ऊपर सेशन आए हैं 6। तो टोटल आंसर कितना बन गया, वह है जी 10। इसी तरह से जो पहली मंजर है जो हमारे पास थी, उसके अंदर हमने स्टब लिखे हैं 3। अभी जो हमें लिखने पड़े स्टब, वो लिखने पड़े गए 4, जो मैं मैंने प्रूव किया है, तो ये बन गए 7। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये ऐसे नहीं हुआ, हमने कहा था पूरे पूरे हायरार्की को टेस्ट करने के लिए आपको 10 सेशन चाहिए और 7 स्टब चाहिए चेक करने, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अब आपको प्रूव कर दिया ओवरऑल हायरार्की के ऊपर भी एंड लेवल बाय लेवल भी। आई होप अब ये आपका इशू नहीं आना चाहिए, सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अगर नेक्स्ट मूव करते हैं, ये मैंने वही है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। अब है बॉटम अप। अब बॉटम अप में क्या है, बॉटम अप में आपके लोअर लेवल मॉड्यूल रेडी हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये दोनों क्लासेस रेडी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये या ये जिसने इसको कॉल करना वो रेडी नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू राइट ए ड्राइवर। मैं जिसने इनको कॉल करना था, बेस क्लास ने कॉल करना था, बेस क्लास ही रेडी नहीं, तो बेस क्लास की जगह हम उसको ड्राइवर लिख देंगे। तो इस रूल के मुताबिक हम अगेन उसी को फॉलो करते हैं जी। अब एक वक्त में ये इंटीग्रेट होगा ये वाला, तो रूल के मुताबिक इसका जो फार्मूला है दैट इज नोड्स माइनस लीव्स। ठीक है, तो अब आप देखें इस एक पॉइंट के ऊपर ओवरऑल, तो वैसे आपको समझ कितने ड्राइवर चाहिए, तो अब वैसे भी देख लें, इन दोनों को कॉल करने के लिए ड्राइवर चाहिए, इन दोनों को कॉल करने के लिए ये ड्राइवर चाहिए, और इस पूरे ट्री को कॉल करने के लिए ये ड्राइवर चाहिए। तो इसका मतलब है टोटल इसमें 3 ड्राइवर चाहिए, वो नीड 3 ड्राइवर है। तो कोई इसमें ख़तरनाक चीज़ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं वापस अपने उस खाने की जो हम कर रहे थे, वो क्या है कि हमारा फोकस है इस वक्त यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ अगेन जो सी वाला पार्ट है उसमें नहीं आएगा। तो अब हमें हमारे पास यहाँ पे नोड्स माइनस लीव अप्लाई करके देखें, तो अब यहाँ पे हमें 2 ड्राइवर चाहिए। इस एक जगह के सॉल्व करने के लिए हमें 2 ड्राइवर चाहिए। ठीक है, और सेशन कितने चाहिए, तो मेरे ख्याल वो तो आपको डायरेक्ट यहाँ से पता लग जाएगा। अब वो कैसे वर्किंग होगी, अब इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमारे पास आ जाएगा ई, क्योंकि एक वक्त में हमारे पास ये जो वर्किंग होगी वो इस पर होगी, ए ड्राइवर ऑफ बी, ये एक सेशन आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे एफ ड्राइवर ऑफ बी, ये हमारे पास सेकंड सेशन आ जाएगा। और जो थर्ड सेशन है उसमें हम ये कंबाइन कर देंगे ई और एफ, अब ये कंबाइन हो जाएगा। ओके, हम बेसिकली इसी की जगह पे वर्किंग कर रहे हैं, ई एफ कंबाइन हो गए, आ जाएगा ड्राइवर ऑफ बी के साथ। तो ये था जी हमारा पहला सेशन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास सेशन आ जाएगा उसमें आ जाएगा जी ड्राइवर ऑफ डी, जी ड्राइवर ऑफ डी। पांचवें नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जी एच ड्राइवर ऑफ डी, और फिर जनाब ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंडेक्स के ऊपर, 6 नंबर के ऊपर जी एच एंड ड्राइवर ऑफ डी। तो जनाब ये था जी हमारा ये वाला पार्ट, कि आई होप कि अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आ चुका होगा। 6 यहाँ पे सेशन चाहिए थे, अब जनाब ये इलाका कवर हो चुका, अब हम एक स्टेप ऊपर को मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बिल्कुल लेवल बाय भी लेवल वही रूल है जो भी आपने देखा और जो टॉप डाउन में देखा। तो आई होप कि इसमें क्या मुश्किल था मुझे नहीं पता,
तो अब ये इसको प्रैक्टिस करके देखें जितनी आप कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है। और आखिर मेरी सैंडविच, सैंडविच में क्या होगा कि आपको एक टारगेट लेयर चाहिए, उस टारगेट लेयर से ऊपर आप टॉप डाउन करेंगे, नीचे आप बॉटम अप करेंगे, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो हमने फैसला किया इसे ऊपर हम टॉप डाउन करेंगे। तो टॉप डाउन के रूल के मुताबिक इस जगह के ऊपर अभी आपने देखा था क्या काम करना पड़ेगा, हमें टॉप डाउन अप्लाई करेंगे। तो उसके रूल के मुताबिक ये क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्टब चाहिए होंगे, ए स्टब ऑफ बी, ए स्टब ऑफ सी, ए स्टब ऑफ डी, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बी का स्टब रिमूव करेंगे, ए बी, ए ए बी स्टब ऑफ सी स्टब ऑफ डी, फिर हम इसका स्टब लिख देंगे, फिर ए स्टब ऑफ बी सी स्टब ऑफ डी, फिर हम इसको भी फॉर कर देंगे, ए स्टब ऑफ बी, ए स्टब ऑफ सी, ए डी, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। तो उसको जो नीचे वाला पोर्शन है आपको नजर आ रहा है जो वाला, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बॉटम अप। और जो बॉटम अप जो मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाई है, ई ड्राइवर ऑफ बी, एफ ड्राइवर ऑफ बी, ई एफ ड्राइवर ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये सैंडविच टेस्टिंग काम करेगी, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ, फंक्शनल बेस डिकम्पोजिशन वाला, बाकी दो पार्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब कॉल ग्राफ में क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमें फंक्शनल डिकम्पोजिशन ट्री बार बार डिराइव करना पड़ता है, इज इट पॉसिबल कि हम डायरेक्ट फंक्शन जैसे होता, तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, उसमें तो फंक्शन कॉल होता है ना, एक मेथड ने दूसरी मेथड को कॉल किया, एक क्लास के मेथड ने दूसरे क्लास की मेथड को कॉल किया, तो ये काम करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं बिहेवियर टेस्टिंग। तो कॉल ग्राफ ने ये जो डिकम्पोजिशन बेस्ड ट्री वाला कंसेप्ट ख़त्म किया, उसने कहा यार ओरिजिनल जो कॉलिंग और इसी को लेकर चलो। तो ये काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, जो फर्स्ट वन है दैट इज़ पेयर वाइज टेस्टिंग, एंड सेकंड वन इज़ नेबरहुड टेस्टिंग। दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है, पेयर का मतलब है एक वक्त में जोड़ा। तो उसके रूल के मुताबिक अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक वक्त पे मैक्सिमम टू नोड्स की जो फंक्शन कॉलिंग है उसको देखेंगे। एग्जाम्पल है, ये देख लें, इन दो को देख लें, इन दो को देख लें, इन दो को देख लें, हम इनसे आगे नहीं जा सकते, हम किसी तीसरे को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये है पेयर वाइज टेस्टिंग। लेकिन पेयर वाइज टेस्टिंग में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि फॉल्ट आइसोलेशन करना आसान है, लेकिन यहाँ पे सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप देखें कि एक वक्त में जब मैं एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार शादी पे हम कह रहे थे दो बंदे एक वक्त में बैठे, इन्हें खाना खिलाएंगे, जब ये खाना खा लेंगे फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, तो यहाँ तो बहुत खाने के सेशन ही हो जाएंगे, शायद दूल्हा दुल्हन अगर 4 दिन तो वही स्टेज भी बैठे होंगे। तो ये है जो चीज़ जो पेयर वाइज टेस्टिंग हमें प्रॉब्लमेटिक करती है। तो फिर हमने सोचा कि कोई ऐसा तरीका है कि पेयर वाइज टेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकें, हमने कहा बिल्कुल है। तो वो तरीका क्या निकला, वो तरीका था नेबरहुड। अब नेबरहुड में हमने क्या करना कि एक हम नोड लेंगे और हम देखेंगे ये जो नोड है ये आगे किस किस मेथड, किस किस मेथड को कॉल कर रहा है, और ये जो बेस नोड है जिसको हम बेस नोड ले रहे हैं इसको कौन कॉल कर रहा है। एग्जाम्पल है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 लोग हैं, फर्ज करें हमारे पास ए है, ए कॉल कर रहा है बी को, आगे जो बी है वो कॉल कर रहा है सी को एंड डी को। तो अगर फर्ज करें अब हमने यहाँ पे जो नोड लिया है वो लिया है जी बी को, हमने कहा जी बी है जी हमारे पास वर्किंग नोड, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर के हिसाब से जो बी को कॉल करने वाला वो ए है, तो ये इसका प्रेडिसेसर बन गया, और जो सी एंड डी है इसका सक्सेसर बन गया। तो ये काम क्या हुआ, ये काम करने से बेनिफिट ये हुआ कि एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी 16 है, तो 16 का जो प्रेडिसेसर है वो 1 है और इसके जो सक्सेसर हैं वो 9, 10, 12 हैं। तो ये काम करने से क्या बेनिफिट हुआ, इसका बच्चों बेनिफिट ये हुआ कि हम अब हमारे सेशन रिड्यूस हो गए, इंटीग्रेशन जो सेशन थे इंटीग्रेशन के वो रिड्यूस हो गए हैं, तो ये हमें यहाँ पे एज मिल गया। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल लूँ 1, अगर 1 ही हमारे पास टारगेट नोड हो, फिर तो 1 कॉल कर रहा है 16 को, 1 कॉल कर रहा है 5, 7, 20 को, 1 कॉल कर रहा है आगे इनको 22 को। तो ये है इसके सक्सेसर्स। तो इसका प्रेडेसेसर कौन है, इसका प्रेडेसेसर नल है क्योंकि इसको कॉल करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से आपने एक टेबल फिल करना है, वो जनाब टेबल अब आपके सामने कुछ इस तरह से है, नोड इसका प्रेडेसेसर कौन सा है और उसका सक्सेसर कौन सा है। तो इस तरह से आपका नोड हो जाएगा, तो ये आपका नेबरहुड इंडिकेशन सेशन बन जाएगा। आई होप आपने बात देख लिया। फिर हमारे पास है पाथ बेस्ड टेस्टिंग है। पाथ बेस्ड टेस्टिंग का मतलब है सबसे पहले आपको देखना होगा सोर्स नोड। सोर्स नोड कहते हैं जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है या रिज्यूम हुई है।
यानी कि एग्जीक्यूशन या तो बिगन हुई है या रिज्यूम हुई है। सिंक नोड का मतलब है जहाँ पे एप्लीकेशन जाके रुक गई है, टर्मिनेट हो गई है, एग्जिट हो गई है। ये हमने देखना, एंड हो गई है, एग्जिट हो गई है, टर्मिनेट, जो भी आप इसे कह सकते हैं। और एम ई पाथ क्या कहता है कि सोर्स नोड से लेकर सिंक नोड तक जो आपका पाथ होगा उसको मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में मैसेज ट्रांसफर करता है। तो अब मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास पहला नोड है, पहले हमारे पास है हायरार्की, दूसरी हायरार्की, तीसरी है, वन वन से टू, टू से फोर, फोर से, ये मैं इसको ए कह देता हूँ। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो इसके पर्सपेक्टिव से अगर बच्चों आप गौर करो तो जनाब हमारे पास क्या है कि हमने वन से शुरू किया, तो वन क्या हमारे पास सोर्स नोड है। वही सोर्स नोड इसलिए कि मैंने कहा था जहाँ से ये बिगन होगा या जहाँ से ये रिज्यूम होगा। तो अब इसने क्या किया, वन से बिगन किया, तो वन हमारे पास है सोर्स। वन से शुरू किया, जैसे टू पे आया, और टू से जैसे फोर पे आया, तो फोर पे आने पे क्या हुआ, इसने हमारे इस सिस्टम से एग्जिट कर गया। तो ये हमारे पास बन गया सिंक नोड, ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्स नोड है, मैं इसको गुड लगाता हूँ, ये हमारे पास सिंक नोड है, इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। फिर हम एंटर हो गए बी पे, तो बी जहाँ से हम एंटर हुए हैं दैट इज नोड वन। तो नोड वन यहाँ पे सोर्स नोड है, और जैसे हम टू पे आए हैं, टू से हम एग्जिट कर गए हैं इस बी के मॉड्यूल से। तो अब इसका मतलब है बी जो टू है ये आपका बन गया सिंक नोड। अब हम चले गए हैं जी सी की तरफ, तो सी जहाँ से हमने शुरू किया दैट इज नोड वन। तो ये हमारे पास है सोर्स नोड। फिर फोर पे गए, टू पे गए, फोर पे गए, जैसे फाइव पे गए, तो यहाँ से हमने सिस्टम से एग्जिट किया। तो एग्जिट करने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया, दैट इज सिंक नोड। और वापस हम यहाँ से हमने एंट्री मारी है मॉड्यूल बी के अंदर, और मॉड्यूल बी में दोबारा एंट्री मारी है हमने थ्री के साथ, तो ये थ्री बन गया। तो मतलब यहाँ से रिज्यूम हुआ है, तो थ्री बन गया हमारे पास सोर्स नोड। और दोबारा फोर पे आगे हम यहाँ से एग्जिट हो गए, तो ये हमारा बन गया जी सिंक नोड। और वापस पे जो फाइव है ये हमारा सोर्स नोड बन गया, और सिक्स पे जाके हमने इसको टर्मिनेट कर दिया जी सिंक नोड। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कहाँ पे सोर्स है, कहाँ पे सिंक है, ये हम काम कर रहे हैं। और इसका आपने टेबल क्रिएट कर देना है, वो टेबल आपको समझ आ जाए क्या है। तो अब देख सकते हैं कि अब आपने क्या करना है, ये जो एम ई पी है ये आपसे कहता है कि सोर्स से लेकर सिंक तक जो आपके पास जो जो पाथ अवेलेबल है वो आपके पास है जी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ। एग्जाम्पल है, ये हमारे पास सोर्स नोड है, ये सिंक नोड है, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है, अब वन से टू पे चले जाएं, टू से थ्री पे चले जाएं, थ्री से सिक्स पे चले जाएं, सिक्स से हम टर्मिनेट कर जाएंगे। तो पहला पाथ हमारे पास ये आ गया। दूसरा पाथ हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, वो ये है कि आप वन से टू पे मूव कर दें, टू से फोर पे मूव करें। जैसे आप फोर पे मूव करेंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो दूसरा पाथ हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी वन टू टू, टू टू फोर। ये हमारे पास बन गया जी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ इसका। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाएगा जी अब फोर, फिर हमारे पास आ जाएगा जी फाइव टू सिक्स, ये फाइव टू सिक्स। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास आ चुका होगा जी फाइव टू सिक्स। तो ये है जी इसका एम ई पी थ्री। तो इस तरह से आपने पूरा टेबल क्रिएट कर लेना। आई होप कि ये आपके इसके अंडरस्टैंडिंग में सिंपल सी बात है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये था जी टेक्निक, सारी सारी आप देख चुके हैं, पाथ बेस्ड कॉल ग्राफ भी देख चुके हैं, ये सारी सारी टेक्निक हमने डिस्कस कर ली है। आई होप कि अब ये आप अंडरस्टैंडिंग में दीजिए। तो ये था जी हमारा सारा सारा कोर्स। तो आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस काबिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें सेहत दी, तौफीक दी कि हम ये सब काम कर सकें, इसको पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों तक कि ये सब चीज़ें पहुंचा सकूं ईमानदारी से, ऑनेस्टली, जिस मोटिवेशन से हो सकता है। तो अल्लाह की दीव तफीक से ये मैंने करने की कोशिश की है। सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आई होप कि आप दुआएं नहीं देंगे, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आप सबका भी शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन में हम जो हमारे जो कोर्सेज थे जो वो उसको मेंटेन करना मुश्किल था। सीआर का भी शुक्रिया, आप सबको भी शुक्रिया। से मैं सीआर को मैसेज करता, सीआर आगे फिर आपको मैसेज करता था, तो मुझे पता है ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। जी सर ने कहा जी आज का लेक्चर आप कंजेक्टिव दो लेक्चर पढ़ेंगे, तो टफ था। आई होप कि बेहतर होगा, कोई बहुत बुरे हालात नहीं होंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि दैट वॉज माई लास्ट कोर्स विद यू गाइस।
एट सेमेस्टर आपके पास है, मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी विशेस के साथ खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और मैं आपको गुड लक कहता हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हमारा सफ़र चला था मतलब आईटी के, और जो एससी के जो आप सब हैं, तो आप ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ाने का मौका मिला, आईटी के साथ दो कोर्स से पढ़ाने का मौका मिला। आई होप, तो आई होप कि ठीक रहा है इंशाल्लाह, आई होप तो इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। तो एक अच्छा सफ़र था आप लोगों के साथ। इसके दौरान अगर मैंने इंटेंशनली या मतलब जानबूझ के, तो मैंने बिलीव करें, अभी जो एक स्टूडेंट की कॉल आई थी उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त बड़े प्रॉब्लम में था। उन्होंने कहा सर रिवाइज़ कर दी, मैंने कहा यार ऑलरेडी तो आपके पास लेक्चर है, उसको देख लो यार, रिवाइज़ में क्या कराऊँ इस चीज़ को। तो शायद कोई तरीका नहीं क्या नहीं कर चाहता, तो मैं उसको एक्सक्यूज़ करता हूँ। जो भी स्टूडेंट था, अनफॉर्चुनेटली मुझसे वो नंबर भी डिलीट हो गया, मेरे हाथ से मोबाइल गिरा हुआ स्टार्ट, जब मैंने उसको देखा तो वो मोबाइल में नंबर भी डिलीट हो चुका था, साथ जैसे मेमोरी वॉश आउट हो गई थी। तो मैं इवन मैंने नाम भी नहीं पूछा स्टूडेंट का, उसको मैं कॉल भी नहीं कर सका। तो अब मैं इस प्लेटफॉर्म से उसको एक्सक्यूज़ कहता हूँ कि मैंने इंटेंशनली ऐसे नहीं बात की थी, कि मैं थोड़ा सा मैं उस वक्त टेंशन में था। आज भी ये 2-3 दिनों में मैं हॉस्पिटल के चक्कर भी मैं लगा रहा हूँ, और फिर ये चीज़ें मैनेज भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्लान था, लेकिन ये मेरा आज के प्लान था। उसकी रीज़न क्या थी, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने इतना लेट क्यों रिकॉर्ड किया, उसकी रीज़न ये थी कि आप लोग सारे लोग मिलकर डिस्कशन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, और जब आप इनको प्रैक्टिसाइज करने के बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे ना, तो बहुत सी आपकी एम्बिग्यूटीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो ये इंटेंशनली था कि मैं आप लोगों के साथ ये काम करने का मकसद ये था कि आप इसको रिवाइज़ कर सकें। तो जी इंटेंशनली जानबूझ के मैंने कोशिश नहीं की कि मैंने किसी को दुख पहुंचा दिया। अगर फिर भी किसी से हो सकता है तो एक्सक्यूज़ मेरी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और ये सोच के एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि मैंने कोई जानबूझ के ऐसे नहीं किया, बस हो गया उस वक्त के हालात के हिसाब से हो गया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 8वें सेमेस्टर के लिए, 8वें सेमेस्टर के कोर्सेज के लिए और के एग्ज़ाम्स के लिए, एंड वेरी स्पेशल फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। और तकरीबन आप इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मैं भी आपको याद रखने की कोशिश करूँगा, आप भी याद रखिएगा। तो थैंक यू जी अगेन, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी में दोबारा कभी मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।